ये है हमारे, कौन है ये? दिस इज बफेलो। तो गाइस हम ना कंडे के टॉप में घूम रहे हैं एंड इतना मजा आ रहा है ना, मन ही नहीं थक रहा है कहाँ, अरे से परे आ रहे। गुड मॉर्निंग यूट्यूब, जय शंकर महाराज। तो कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करूंगा बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का मॉर्निंग के 5:30 बजे। तो गाइस यहाँ देखो, हम लोगों ने यहाँ टेंट लगाया था, सबसे बेवकूफ़ी की, क्योंकि है ना रात भर हवा चली और ठंड से मर चुके हैं, ऊपर से नहीं लाया हम लोगों ने जैकेट। तो मॉर्निंग की चाय हो रही है हमारे, अभी यहाँ पे हमारे संजीव भाई, आज हमारे और दो भाई छोटे छोटे ना ऊपर सोए हैं दूसरे टेंट में। हम लोग यहाँ सोए थे टेंट में, बुरे हाल हो गए, लेकिन इतनी ठंड लग रही है ना बता नहीं सकती, क्योंकि हम लोगों ने सोचा ना हमारे घर की तरह गर्मी ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल ही डाउन है और ऊपर से हम लोग आए हैं टी शर्ट में, हमारी क्या हालत हुई होगी आप लोग सोच सकते हो। मॉर्निंग की फर्स्ट चाय और धूप की किरणें भी हमारे आ चुकी है, तो पी लेते पहले। आज हमारी नाइट बहुत गंदी कटी गई, कभी भी आप आओ ना तो थोड़ा ज्यादा लाओ अपने साथ कपड़े कुपड़े, मुरा लाते हुए मॉर्निंग चाय। इससे पहले गए थे हम, इसे चीनी नहीं डाला है संजीव, चीनी लग रहा है आपको? ज्यादा नहीं है ना, अभी चाय पीते फिर ब्रेकफास्ट करेंगे फिर चलेंगे यहाँ से। मॉर्निंग के ना देखो इधर इधर धूप आ चुकी है, तो अभी मैं बना रहा हूँ आलू और मटर का पुलाव, जल्दी जल्दी इसको खाते फिर जाएंगे हम ऊपर टॉप कांडे में घूमने। तो कितना घूम पाएंगे आज, फिर धूप धाप भी छोड़ना तो ऊपर ना, पहले जल्दी जाके मैं आलू छील लेता हूँ। मायरा मटर छिल रही है, हम लोगों ने यहाँ भी आग जलाया हुआ, रात को हम लोगों ने यहाँ बड़ा आग जलाया था ना, तो यहाँ हमारा चूल्हा है पीछे, तो यहाँ पर हमारा ये कैंप है। तो अभी हम लोग पहले आलू छील लेते जल्दी जल्दी एंड फिर मैं ये मटर छिलेगी, उतने में वो लोग पानी लाने गए बड़े भाई, अरे पानी लाएंगे फिर मैं जल्दी जल्दी पुलाव बनाऊंगा। और इसके हाथ में थोड़ी चोट लगी नहीं, तो मैं कल शाम को ये बना रही थी, तो अभी मैं जल्दी जल्दी आलू छिलता हूँ और पुलाव बनाता हूँ। तो गाइस मैं आलू काट रहा हूँ, मायरा छिल रही है मटर, तो अभी इसको धोएंगे, पानी लाने गए हैं, उतने में हम लोग जल्दी जल्दी काट लेते हैं। तब ऊपर देखो धूप आ गई है, अभी हमने जाना है फिर, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आलू मटर छिल लेता हूँ फिर डाल। अभी मैं डाल रहा हूँ इसमें, हमारा सिंपल सा पुलाव बनने वाला है, प्याज डालो, यहाँ देख सकते हो आप, रुको इनको ड्राई होने दो थोड़ा, फिर डालेंगे प्याज। तो गाइस पहाड़ों में आपने पुलाव मैगी बनाया हो जो ये आनंद आता है। गाइस मैं डाल देता हूँ इसमें टमाटर, हमारा सिंपल सा और शॉर्टकट खाना बन रहा है, क्या है मसाले जो कि मिक्सअप करके हम लोगों ने लाया हुआ है, इतना डाल दिया। और मैं पहले आलू मटर और उसके बाद डालेंगे हम चावल, आलू मटर, यहाँ देखो मॉर्निंग में देखो हमारे को कौन मिलने आया है, बफेलो। ये है हमारे, कौन है ये? दिस इज बफेलो। तो गाइस बहुत सारे भैंसेज ना हमारे को मिलने आ चुके हैं, यहाँ देखो मार भी सकती है गाइस, हम इनका दूध निकालेंगे, भैंसी भैंसी है बहुत सारी है लो। क्यों है ना मेरा, यहाँ देखो गाइस भैंस और भैंसियाँ, आप लोगों ने देखा, आप हमको दूध दोगे, हम आपको नमक और आटा देंगे, आप हमको दूध दोगे। अभी हम लोगों ने कर लिया ब्रेकफास्ट, अभी हम लोग ना ऊपर जा रहे हैं टॉप में मंदिर की साइड, अब हम घूमेंगे पूरा कांडा, आज एक्सप्लोर करेंगे, अभी घूमेंगे। यहाँ देख सकते हो आप बहुत सारे भैंसे हमारे से मिलने आ चुके हैं, देखो कितनी सारी है, और अभी तो व्यू भी बहुत मस्त बन रहा है। तो हम अभी मेरे मतलब जो हमारे साथ आए मित्र लोग, वो भी अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे ऊपर की तरफ, लेकिन अभी हम लोग यहाँ ना धूप सेकने आए हैं, रात भर हमारे को ठंड ने बैंड बजाया। कभी भी आप इतने हाइट में आओ तो जैकेट जुकेट लेके ज़रूर आना, यहाँ पे कैंपिंग लगती है हमेशा, क्योंकि ना ऊपर को हवा बहुत ज़्यादा चलती है, बट हमारे को ना रात को यहाँ पे भी हवा बहुत ज़्यादा मिली और ठंड ने ऐसा हालत ख़राब किया, आप लोगों को बता नहीं सकते, बेचारी मायरा तो रोने लग गई थी एक टाइम पे आके। तो आज और मित्र जन आ रहे और वो बहुत सारे कंबल लेके आ रहे, ये हमारा कैंपिंग पॉइंट है, यहाँ से मुराल पर शुरू होता है, देखो कितना प्यारा है, ये देखो आप बहुत प्यारे नज़र आ रहे हो। तो गाइज यहाँ पे ना बहुत सारे भैंसे हैं, इस साइड को बहुत सारे गाय है, वो इधर भी और है बहुत सारी भैंसे, वो आई नहीं अभी पार चल रही है। तो गाइज यहाँ पे भी ना बहुत सारी भैंसे है, ये देखो छोटे कांडे की तरफ यहाँ पे भी पार बहुत सारी भैंसे नज़र आ रही मेरे को, ये देखो सुकून, पहाड़ों में घूमने का मजा क्या पार से दिखते हैं देखो, हाय हुई क्या मस्त है ना मेरा, नहीं कितना मस्त है ना। तो गाइस देखो फिलहाल कांडे पे है हम, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैं सोच रहा था ना कि ये मेरे साथ नहीं आ पाएगी मुराल,
लेकिन ये चल गई, इसको थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ पाँव में कहीं भी नहीं, मजा आ गया गाइस, बहुत बढ़िया। बट यहाँ पे ठंड बहुत है गाइस, मर गई थी मैं रात तो को, ठंड बहुत ज्यादा है। तो गाइस देखो भैंस के सामने नाच अपना कर्तव्य दिखा दिए, वैसे मारेगी। चल गाइस मायरा यहाँ पे ना भैंसों को अपना डांस दिखा दिए कैसे करके तू ऐसे नाचेगी तो किसको पसंद आएगा। मैंने तेरा वीडियो बनाया देखा, अभी कल यूट्यूब में डालूंगा मैं। ना वाला कितने सारे भैंस हमारे पास आए, ये हमारा कैंप भी तोड़ सकती है। अब इनको ना यहाँ से परे को भगाना पड़ेगा। चलो चलो चलो। तो गाइस इन भैंसों को मैं परे की तरफ भगाता हूँ। चलो भाई चलो। तो गाइस हमारा नीचे है यहाँ कैंप, ये ना हमारा कैंप तोड़ देगी। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं मुराल टॉप की ओर। आज हम लोगों ने कैंपिंग यहाँ लगाया था नीचे। तो ये है हमारा जो डाउन आता है, ये सुंगड़ी वाला एरिया आता है जहाँ से हम लोग मुराल की तरफ आते हैं। फिलहाल हम लोग आते हैं पीछे की तरफ से। अब यहाँ से हम ऐसा तीर्थ होते हुए ऊपर की तरफ चलेंगे। देखो खूबसूरत बात यहाँ कितनी मस्त लग रही है, देख सकते हो इधर कितने सारे भैंस चल रहे हैं बहुत सारे। एंड यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये ऊपर मुराल टॉप आता है हमारा। ऊपर कितना मस्त लग रहा है, अभी सूर्य हमारे सीधा ऊपर है, बहुत मस्त है, हवाएं मस्त वाली धूप चल रही है। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को स्टॉप में जाके। और चलो फिर चलते हैं। हम लोग नीचे तक घूमने आए थे ना, इधर भैंसे भैंसे बहुत है। अब ऊपर जाना है हमारे को टॉप में, मजा आ रहा है पूरे थाच में घूमने का। अभी हम लोग नीचे गए थे तो ये सारी हमारी गैंग है, 6 बंदे हम लोग। देखो अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, एंड हवा चल पड़ी यहाँ पे तकड़े तरीके से, मजा आ रहा है। आज तो अभी कम है लोग, अभी बहुत मात्रा में आने वाले, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी कंडे में बहुत ज़्यादा रौनक होने वाली है, आप लोग भी आइए। अगर आप प्रकृति प्रेमी हो तो आप ज़रूर आ सकते हो, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को भी। एंड एंजॉय करिए, देखिए प्रकृति क्या खूबसूरत आकृतियाँ बना के बैठी है। आप इसका मनोरंजन करिए, मजे और लुत्फ़ उठाइए, हम तो बहुत उठा रहे हैं। तो चलते हैं ऊपर की तरफ अभी। तो गाइस घूमते घूमते आ चुके हैं हम मंदिर के टॉप में। ये है हमारा मंदिर है, कोई बात नहीं, चुहाते को सोना खाएगा। तो गाइस यहाँ देखो ये खूबसूरत सा प्यारा सा मंदिर है टॉप में। ये देखो कितनी फ्लावरिंग है, कितना मस्त ग्राउंड है, सुकून। ये रेंज देखो हिमालयन रेंज, यहाँ श्रीखंड महादेव, किन्नर कैलाश, तिब्बत बॉर्डर भी यहीं पड़ता है, बेतलू कांडा। अगर आप लोग देखो तो यहाँ से डोडरा क्वार कनेक्ट होता है, बहुत सारी वैली आती है यहाँ से, खूबसूरत सी जगह, आनंद ले रहे सब। लेकिन ना लोगों ने यहाँ आग लगाया हुआ है नीचे बहुत, बट यहाँ सुकून जो है ना भाई उसको कोई बता नहीं सकता है, अल्टीमेट सुकून सुकून भाई। नमो पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो। यहाँ देखो गाइस हमारे मित्र जन सो चुके हैं, ये है बेतलू कांडा जो ऊपर देख पा रहे हैं, पर धुंध से वजह से दिख नहीं रहा है। खूबसूरत सी जगह, ये देखो पीछे भी, आप भी आओ कभी पहाड़ों में घूमने, सुकून। अभी ना हल्के हल्के फूल खिले हुए हैं, ये है मुराल में घूमने का फायदा। हम ना बहुत आगे तक जाके आते हैं ना संजीव, क्यों है नहीं परे तक जाके आएंगे यहाँ से नीचे उतरते, ठीक है। तो गाइस हम बहुत परे जाने वाले हैं। मायरा हाउ इज योर एक्सपीरियंस एंड हाउ इज योर फील? ब्यूटीफुल।
हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। तो आप लोग भी आते रहिए, ऐसे घूमते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कभी कभी छुट्टियां मना लें स्कूल से, छुट्टी लेकर तो हमने भी एंजॉय किया गाइस। इसको नहीं तो कल स्कूल जाना था, लेकिन एक दिन का ब्रेक लेना पड़ेगा इसको। परसों जाएगी स्कूल, कल हम जाएंगे घर, आज नहीं जाएंगे हम घर। फिर हम अगली बार फिर से आएंगे गाइस यहां पे इसी। हरा पैसा हरी दौलत, क्या खूबसूरत जगह गाइस, सुकून जन्नत कहूँ या होटल भी है वहाँ पे एक, कुछ एक ही बात है। ये देखिए सुकून भरी लाइफ, देखो मस्त, कैसा लग रहा है आपको एक खूबसूरत हरी हरी सुकून वाली वादियों में घूम के, बिल्कुल फूले हुए हैं। फिर आप लोग देख सकते हैं मेरी उंगली टूट गई है गाइस, इन्हें उंगली भी फ्रैक्चर कर दी है, लेकिन मजा आ रहा है घूमने में गाइस। फ्लावरिंग देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा है, सुकून सुकून सुकून। हमने ये बनाया था, मेरा ये वाला बनाया था हमने। तो गाइस हम लोगों ने ऐसे ऐसे टिब्बे बनाए थे पहले, जब हम लोग पहले आए थे आज से 2 साल पहले। एंड ये है हमारा बेदलू कांडा पहाड़ वाला, ये भी मस्त है, ये काशापाट कांडा ऊपर। मेरे के साथ में घूम रहा हूँ खूबसूरत वादियों में। और यहाँ देखिए इतने मस्त ब्रिंजल मतलब बैंगनी कलर के फूल है ये, और इन्होंने मुझे भी प्रपोज करना है, तभी फूल झटका है। तो आप ऐसे करके गाइस पांव में बैठ के बिल्कुल मस्त, वो वीडियो आपको आ जाएगा प्रपोज वाला इंस्टाग्राम में गाइस, पड़ गया होगा आपके लिए। बहुत मस्त लोकेशन है, बहुत प्यारा प्यारा सा मौसम है। अभी हम बहुत पार जाने वाले हैं, घूम के आने वाले हैं, कैसा होने वाला है देखना होगा, देखना होगा गाइस। देखो फ्लावरिंग हमारे पीछे, इतनी फ्लावरिंग है ना, जो मजा आ रहा है घूमने का। आप लोग भी आते रहिए यहाँ पे, और इतना मजा है, और ठंड इतनी है ना गाइस। तो शाम गाइस टेम्परेचर ना बहुत डाउन है, हम ना कंडे के टॉप में घूम रहे हैं, एंड इतना मजा आ रहा है ना, मन ही नहीं थक रहा है। कहाँ अरे से परे आ रहे, ये फूलों के बागान है पूरे, इतना मजा आ रहा है। मजा मायरा के सारा मजा, हम लोग इतने नीचे आ गए थे घूमते घूमते इस साइड वाले में, अब फिर से टॉप में जाते क्योंकि हमारे यार दोस्त वही हैं। सुबह तक अभी हम लोग अकेले घूम रहे थे यहाँ पे, एंड अभी देखो ना आप लोग इतने लोग आ गए, अराउंड 150 के करीब लोग आ गए हैं, और हम लोग सुबह से घूम रहे हैं। और ऊपर देखो अभी भी आ ही रहे हैं, अभी आज हमारे फ्रेंड लोग भी आ रहे हैं, तो कल हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और देखो जितना है ना उतना घूम रहे, और ना बहुत सारे लोग आ चुके हैं अभी सब यहाँ लोग, कल भी मतलब अराउंड 200-300 लोग हो चुके हैं आज। ग्राउंड बहुत बड़ा है ना, तब नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं अभी लोग। एंड आप लोग पता है गर्मी का मौसम है, कल वोटिंग था तो कल लोग नहीं आए, कल आ गए थे हम लोग, तो आज ना सारे लोग आ रहे हैं जितने भी है चारों साइड से। आप देख लो पार भी होंगे इस साइड भी, और इस साइड भी देखोगे ना बहुत सारे। या मायरा भी परेशान हो गई है, हमारा पानी भी ख़त्म हो चुका है, अब हम जाएंगे हम नीचे की तरफ, एंड वहाँ से लाएंगे पानी और लंच भी करके आएंगे। हम लोगों को टेंट भी देखना पड़ेगा कहीं किसी ने कुछ उठा ना दिया हो, क्योंकि हमारा वहाँ पे स्लीपिंग बैग वगैरह सब कुछ है, बाकी वैसे उठाएगा तो कोई नहीं हो। तो गाइस देखना होगा क्या होगा, इनको लगता है कि कोई उठाएगा टेंट, ये मुझे नीचे ले जा रहे थे। तो गाइस इसको मैं सोच रहा था नीचे ले जाओ, पर इसने नहीं जाना है, बोला नीचे। इधर से भी आ चुके हैं, इधर भी है लोग, ये पूरा ग्राउंड है, इधर भी लोग है, वहाँ पे भी लोग है, ये मायरा है। तो गाइस बहुत सारे लोग हो चुके हैं यहाँ पे ना, हवा भी चलने लग गई है, मेरे को तो लग रही है भूख, मैं जाऊँगा कैंप में, वहाँ से खाऊँगा मैं पुलाव बना हुआ वो बचा हुआ है, तो वहाँ तक जाना है। पानी भी ख़त्म हो चुका है हमारा अभी भी, बाकी देखना होगा क्या होगा। ठंड हो चुकी है काफ़ी, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बाकी पीछे भी देख सकते हो लोग, आप इधर भी देख सकते हो लोग ही लोग हो चुके हैं, थक गए वैसे हम घूम घूम के, इतने सारे फूल ही फूल हैं, यहाँ सो रहे वहाँ सो रहे कुछ भी नहीं हो रहा है। काफ़ी रील्स बनाया, एंड ये भी अब थक गई है, इसको भी भूख लग गई है, तो अभी हम लोग नीचे जाएंगे, थोड़ा बहुत मैगी बनाएंगे, सुबह का पुलाव बचा हुआ है वो खाएंगे। एंड यहाँ ना इतने सारे लोग आए, इतने सारे, तो इतना ज़्यादा मेरे को शोर शराबा पसंद नहीं है, तो मैं शांत हो गया थोड़ा, मेरे को ऐसा शोर ऐसा पसंद नहीं है इतना ज़्यादा ना। तो अब बहुत घूम लिया हम लोग, टांगे घुमा दी, ये है मुराल डंडा, तो आप लोग आ सकते हो घूमने के लिए। बट मेरे को ऐसा लगता है आने वाले टाइम में ना बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे यहाँ पे, जो शांत वाला इलाका, जो आप लोग एक मन की शांति के लिए आओगे वो चीज़ नहीं रहेगा। बाकी देखना होगा कैसा होगा, अभी जाते हैं हम नीचे खाएंगे, शाम को दाल चावल बनाएंगे। आज तो हमारे साथ और 2-3 बंदे ऐड हो चुके हैं, बाकी कुछ नहीं है रहेंगे। और कल ना बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी थी, आज हम लोगों ने फॉरेस्ट वाला का कॉटेज बनाया है, अगर वहाँ पे कोई रहने आया लोग नहीं आए होंगे तो हम लोग वहाँ पे जाके आज स्टे करेंगे या कैंप लगाएंगे। सो गाइस चेक करिए आप, इधर भी लोग है, इधर भी लोग है, इधर भी लोग है, मुराल डंडे में इधर भी लोग है, इधर भी लोग है, इधर को भी लोग है।
तो गाइज पूरा ना भीड़ भड़ाका ही है, देखो इतने सारे फूल ही फूल, और इधर गाना गा रहे हैं, इधर डांस कर रहे हैं, उधर भी डांस कर रहे हैं। तो गाइज अभी हम लोग हैं मुराल पे, लेकिन अपना मौसम रुख बदल रहा है ना, तो अभी हमारे को जल्दी जल्दी अब कैंप साइड जाना पड़ेगा क्योंकि बादल हो चुका है। अपने भाई लोग ना ऊपर डांस गाना गा रहे हैं, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ। फुल इन्जॉय कर रहे हैं एंड देखना होगा बाकी क्या होगा। कल ना हमारे को बहुत ज़्यादा ठंड लगी, आज हमारा लास्ट लाइट नाइट है, देन उसके बाद हम कल जाएंगे अपने घर एंड घर में जाके मस्त करके सोएंगे। बाकी अपने फ्रेंड लोगों के पास जाते हैं अभी, वो लोग गा रहे हैं अपना गाना यहाँ पे बैठ के, तो उनके पास चलते हैं इस खूबसूरत वादियों में। हवा आ रही होगी आप लोगों को, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब गाइस देखो यहाँ पे ये सारे सिंगर बैठे हुए हैं, पता नहीं इनको गाना आता कि नहीं, मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। चलो सिंगर शुरू करो भाइयों। एक बात है, कट एक दिन लगेगा, सारा कुछ जाने वाला है, इसलिए गाओ जल्दी। तो गाइस यहाँ पे देखो सिंगर बैठे हुए हैं सारे, अभी हमारे को गाना सुनाने वाले हैं, हमारे को बुला लिया है। तो गाइस अब मजे लेने वाले हैं अभी। तो गाइस बहुत अच्छे सुर वाले सिंगर लोग हैं यहाँ पे, चलो भाई शुरू करो। अबे साले फाइनली डिसाइड हो चुका है ये कौन सा गाना गाने वाले हमारे मित्र लोग, ये लोग अभी यहाँ पे गाना ही गा रहे हैं। हमारे को जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे को ना ठंड लग चुकी है, हम लोगों ने ना जैकेट जुकेट कुछ नहीं लाया था, हम लोग सोच रहे थे हम अपने घर की तरह यहाँ पे गर्मी होगी, बट ऐसा है नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अभी शायद अराउंड 7-8 डिग्री टेम्परेचर होगा। लेकिन अभी भाई लोग अभी यहीं रुके, हम लोग जाएंगे नीचे फॉरेस्ट वाला को कॉटेज देखने, अगर वहाँ पे नहीं होगा ना तब तो अपना कैंप पे रहेंगे, नहीं तो हम लोग वहाँ जाके वहाँ कैंप लगाएंगे, वहाँ स्लीपिंग बैग में हमारे को ठीक है ना, फिर हम लोग कल एक बार और घूम के एंड फिर शाम वाली बस में हम घर चल जाएंगे। बाकी देखो इतना मस्त है, पर उतनी ज़्यादा फूल फूले नहीं है, हम थोड़ा जल्दी करके आने में बट लेकिन मज़ा बहुत आया। बाकी देखते हैं कैसा होगा एंड चलते अभी, बाकी इन्जॉय करते हैं। और ना धूप भी चली गई है, देखो बादल बादल आ चुकी है यहाँ, देखो बाल ना पूरे हाथ में ठंडे हो चुके हैं, इसको भी ठंड लग गई है, भूख भी लग गई है इस बंदरी को। तो अब हम जाने वाले हैं नीचे एंड देखते हैं कैसा होगा, और मज़ा भी आने वाला है। अभी हम जाके बनाएंगे मैगी, थोड़ा सा पुलाव बचा हुआ है उसको खाएंगे, बाकी चलते यार बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है मेरे को। तो नीचे जाते जाते ना टेम्परेचर और डाउन हो जाता है और ज़्यादा ठंड लगेगी, इसलिए हम यहाँ से बिना देरी से चल पड़ते हैं आगे नीचे की तरफ।